दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में 6 फरवरी तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, बहाल रहेगी पुरानी पाबंदियां, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, एग्जाम होंगे। जी हां, बिहार में अभी तक जारी कोरोना गाइडलाइन 6 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। गुरुवार को सभी जिलों से फीडबैक लेने के बाद आपदा प्रबंधन समूह ने यह फैसला लिया है। कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, हालांकि कोई रियायत भी नहीं दी गई है। इससे पहले बुधवार को मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में सीएमजी की बैठक की गई थी। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन चल रही है उसकी मियाद आज यानी 21 जनवरी को पूरी हो जाएगी। उसके बाद शनिवार यानी 22 जनवरी से नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी। माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत ही घातक नहीं है और लगातार कोरोना के संक्रमण में कमी भी आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि जारी गाइडलाइन के अनुसार राज्य भर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगी। सभी धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान को आम लोगों के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे। 8वीं तक के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद है। सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुल सकेगी। इसके अलावा शादी में शामिल होने के लिए मात्र 50 लोगों की अनुमति है। अगली बड़ी खबर, बिहार बोर्ड ने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए जारी की कोरोना गाइडलाइन। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है। जारी गाइडलाइन के अनुसार इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को कोविड-19 के गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा। इससे पहले बिहार बोर्ड ने मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों का कोविड टीकाकरण अनिवार्य कर दिया था। जारी गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा केंद्रों की आवासन क्षमता के निर्धारण के क्रम में प्रत्येक बेंच पर अधिकतम परीक्षार्थियों को आपसी सामाजिक दूरी के अनुसार बैठा कर परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा केंद्रों एवं परीक्षा कक्षों में परीक्षार्थियों एवं कर्तव्य पर नामित कर्मियों को पर्याप्त दूरी के साथ पंक्ति बंद कराकर प्रवेश कराना होगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पूर्व से बने वॉशरूम में हाथ धोने एवं पानी एंड हैंड वॉश, साबुन के साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक पाली के परीक्षा प्रारंभ होने से पहले एवं परीक्षा कक्षों को सैनिटाइज किया जाएगा। परीक्षा में संलग्न पदाधिकारियों को समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा। खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल भी रखना होगा। अगली बड़ी खबर, राज्य में इंटर परीक्षा में रोल नंबर के अनुसार मिलेगी उत्तर पुस्तिका और ओएमआर सीट। जी हां, बिहार में होने वाले इंटर परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका और ओएमआर सीट के अनुसार ही परीक्षार्थी बैठाए जाएंगे। यानी परीक्षार्थियों के रोल नंबर के अनुसार ही कक्षा में उत्तर पुस्तिका और ओएमआर सीट दी जाएगी। इन तीनों का मिलान हर परीक्षा केंद्र के केंद्राधिकारी करेंगे। इसको लेकर बिहार बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड द्वारा सभी जिला शिक्षा कार्यालय को इसकी जानकारी भी भेजी जा रही है। अगली बड़ी खबर, बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 3,475 नए कोरोना मरीज, पटना में मिले 745 केस। जी हां, पिछले 24 घंटे में बिहार में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में बिहार में 3,475 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं पटना में 745 नए केसेस मिले हैं। वहीं बिहार में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस भी घटकर आज 26,673 हो गई है, जबकि बुधवार को एक्टिव मरीजों की संख्या 30,481 थी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में 24 घंटे में 43 मौतें, दूसरी लहर के बाद सबसे ज्यादा, देश में नए केस 3 लाख के पार। जी हां, देश में पिछले 24 घंटे में 3,17,000 नए केस मिले हैं। इस दौरान 2,23,000 लोग ठीक भी हुए कि 491 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमितों में 34,562 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें कि देश में 8 महीने बाद नए संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंचा है। अगली बड़ी खबर, 30 जनवरी तक बिहार में पड़ेगी भीषण ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में भी भीषण शीतलहर के बीच ठंड में तेजी से बढ़ोतरी के आसार मौसम विभाग ने जताया है। मौसम विभाग ने भीषण ठंड की चेतावनी देते हुए 25, 26, 27, 28, 29 व 30 जनवरी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने लोगों से ठंड से बचने और घरों में रहकर सुरक्षित रहने की अपील भी की है। साथ में पूरे बिहार में तापमान में तेजी से गिरावट होने की आशंका जाहिर किया है।
अगली बड़ी खबर, बिहार में सर्दी का नया रिकॉर्ड। गया में न्यूनतम तापमान लुढ़क कर पहुंचा 4.6 पर। बिहार में सर्दी अभी राहत देने नहीं जा रही है। कपकपी और गलन का यह मौसम अभी और जारी रहने वाला है। राज्य भीषण शीतलहर की चपेट में है और कल सुबह गया में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पूरे प्रदेश में इस मौसम का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान गया में रिकॉर्ड किया गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में बारिश फिर देगी दस्तक, बढ़ेगी कनकनी। जी हां, IMD के अनुसार 22 जनवरी को पश्चिमी मध्य और पूर्वी बिहार में कई स्थानों पर सामान्य से कुछ अधिक बारिश हो सकती है। 23 जनवरी को पूर्व मध्य और पश्चिम मध्य के कुछ भागों में बारिश और 24 जनवरी को मध्य पश्चिमी और पूर्वी बिहार के इलाकों में बारिश की आशंका है। बारिश के इन दिनों में कहीं कहीं ठनका गिरने के भी आसार बन रहे हैं। IMD के मुताबिक 21 तारीख से हो रहे इस मौसमी बदलाव की वजह से एक बार फिर सक्रिय हो रहे में बिछोप और एक विशेष चक्रवर्ती सिस्टम है। यह चक्रवर्ती सिस्टम मध्य भारत में सक्रिय है। उल्लेखनीय है कि पटना का गुरुवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बिहार का तापमान करीब 2 डिग्री अधिक रहा है। गया का उच्चतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम, भागलपुर और पूर्णिया का अधिकतम तापमान 5 डिग्री कम किया गया है। बिहार में अभी भी औसत तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। लोग ठंडे से घरे के अंदर दुबके रहे हैं। अगली बड़ी खबर, भाकपा माओवादी का ऐलान। नक्सली नेता प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के खिलाफ 27 जनवरी को बिहार झारखंड होगा बंद। जी हां, प्रतिबंधित माओवादी संगठन के शीर्ष नेताओं में शुमार नक्सली किशन दा उर्फ प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला दी गिरफ्तारी के खिलाफ भाकपा माओवादी ने 27 जनवरी को झारखंड बिहार बंद का आह्वान किया है। इसकी जानकारी नक्सली संगठन माओवादी के दोनों राज्यों के स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने प्रेस विज्ञापित जारी कर दी है। जारी विज्ञापित में एरिया कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने कहा, बंद दंपति नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड बिहार में 21 से 26 जनवरी तक संगठन प्रतिरोध दिवस मना रहा है एवं 27 जनवरी को दोनों राज्यों में नक्सली बंदी रहेगी। अगली बड़ी खबर, बिहार बोर्ड ने जारी किया DLED स्पेशल एग्जाम का रिजल्ट। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने DLED विशेष परीक्षा 2020 का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में हिस्सा लेने वाले परीक्षार्थी अपना रिजल्ट secondary.biharboardonline.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर की शिकायतों पर हाईकोर्ट का निर्देश। 3 हफ्ते में फोरम बनाए बिहार सरकार और बिजली कंपनियां, कस्टमरों की शिकायतें करें दूर। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के हित में कल एक बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने बिहार के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए एक फोरम स्थापित करने को कहा है। सरकार के ऊर्जा विभाग के साथ ही उत्तर व दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनियों को यह निर्देश दिया गया है। इस फोरम को 3 सप्ताह में स्थापित कर देना है। चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने इलेक्ट्रॉनिक बिजली मीटर की जांच कराने को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। कहा है कि बिहार विद्युत नियामली 2020 के अंतर्गत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम को अनिवार्यता स्थापित किया जाए। कोर्ट ने 3 हफ्ते के बाद इस मामले में प्रगति रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद की जाएगी। बड़ी खबर, आधार कार्ड को लेकर अलर्ट। बाजार में बने PVC कार्ड मान्य नहीं, वैलिड कार्ड के लिए UIDAI साइट पर ऑर्डर करें। जी हां, आधार कार्ड की सेवा देने वाले यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि बाजार से जो PVC कार्ड बना रहे हैं वे मान्य नहीं है। आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका ऑर्डर देना होगा। इसके लिए आपको UIDAI की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस वेबसाइट पर आधार सेक्शन में जाकर ऑर्डर आधार PVC कार्ड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपने आधार का 12 डिजिट का नंबर या 16 डिजिट का वर्चुअल ID या 28 डिजिट का आधार एनरोलमेंट ID डालना होगा। इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड या कैप्चा भरना होगा। OTP के लिए सेंड OTP पर क्लिक करके आप अपना OTP डालकर इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार के 56 निजी अस्पतालों में गरीब कोरोना मरीजों का मुफ्त में इलाज, टीकाकरण में फिर बना रिकॉर्ड। जी, बिहार में कोरोना की तीसरी लहर अब थमती दिख रही है। इसी बीच राज्य में टीकाकरण का अभियान तेजी से गति पकड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार टीकाकरण के शीर्ष 4 राज्यों में शामिल हो गया है। इस बीच सरकार ने कोरोना पीड़ितों के मुफ्त इलाज के लिए राज्य के
56 निजी अस्पतालों में भी व्यवस्था कर दी है। राज्य के 56 निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्डधारी कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज हो सकेगा। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल में सभी कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज पहले से किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, बिहार के पड़ोसी सूबे झारखंड में सरकार घर तक पहुंचाएगी शराब, राजस्व बढ़ाने के लिए लिया गया फैसला। जी, बिहार में शराब की होम डिलीवरी को लेकर कई तरह की बातें आती रहती है, लेकिन पड़ोसी राज्य झारखंड में अब राज्य सरकार लोगों के घरों तक शराब पहुंचवाएगी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने शराब से राजस्व बढ़ाने के लिए कई फैसले लिए हैं। दरअसल झारखंड सरकार ने 2 महीने बाद शुरू हो गए नए वित्तीय वर्ष में शराब से ज्यादा राजस्व कमाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसी योजना के तहत खुदरा दुकानों में लोगों को शराब तो मिलेगी ही, साथ ही साथ होम डिलीवरी भी होगी। और अंत की बड़ी खबर, आरजेडी ने 20 सीटों पर तय किए उम्मीदवार, एमएलसी चुनाव में मजबूत प्रत्याशी दिखाने पर ही कांग्रेस को सीटें देगी आरजेडी, भागलपुर लेफ्ट के खाते में। जी हां, बिहार विधान परिषद के 24 सीटों के लिए हो रहे चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि अंदर खाने आरजेडी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। खबर है कि राजद कांग्रेस के कमजोर प्रत्याशी के लिए इस बार कोई सीट छोड़ने के मूड में नहीं है। बताया जा रहा है कि आरजेडी ने इस बार टिकट अपने उन कैडर नेताओं को दिया है जो कमर से मजबूत यानी धन बल से दमदार है। पार्टी ने इसका भी ख्याल रखा है कि ज्यादातर उम्मीदवार 50 से कम उम्र के हो। अभी तक आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अब तक संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में कोई महिला नहीं है। आज के लिए आपका सवाल बताया कि फिलहाल कोरोना के मामले को देखते हुए बिहार में स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान को खोला जाना चाहिए या नहीं, इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।